चंदाओ चंदा, चंदाओ चंदा, किसने चुराई मेरी तेरी निंदिया। जागे जागे सारी रहना तेरे मेरे नैना, जागे सारी रहना तेरे मेरे नैना। रहना और नैना, जागे सारी रहना तेरे मेरे नैना, ठीक है। चंदा ओ चंदा, चंदा ओ चंदा, किसने चुराई तेरी मेरी निंदिया। जागे सारी रहना तेरे मेरे नैना, जागे सारी रहना तेरे मेरे नैना। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है, और जो न्यू सब्सक्राइबर है उनका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं अंकिता जबलपुर से कर रही हूँ आप सबका स्वागत। दोस्तों, मौसम का तो मत ही पूछिए। पहले मैं हमेशा अपने व्लॉग में मौसम बताती थी, लेकिन अब जो है मैं अगर आपको मौसम बता दूं कि अरे बहुत अच्छा मौसम है, बहुत अच्छी धूप निकली है, तो ये ना खुद एक तरह का जो है मेरे साथ गड़बड़ हो जाती है कि मैं जैसे ही बोलती हूँ थोड़ी देर बाद बादल आते हैं और उसके साथ साथ बारिश आ जा रही है। तो यही हाल सब जगह है, और रोज ही मैं यही बात आप लोगों को बता रही हूँ, कोई चेंज नहीं है। तो जो बारिश के बाद करने वाले काम है अब वो हम लोग शायद नेक्स्ट मंथ करेंगे, दीपावली बिताने के बाद। और हमारे घर में जो है पेंट होना था, लेकिन वो पोस्टपोन कर दिया गया क्योंकि बारिश रुक ही नहीं रही है, जबकि दीपावली के टाइम पे सबके घरों में होता है। और हम लोग भी हर साल जो है कराते हैं, बाहर की तरफ तो अभी करा लेते हैं, अंदर अंदर हम लोग जो है एक दो रूम में हमारे हो चुका है। तो ऐसे कुछ बनाते हैं इसके चाचू कि सभी काम समय पे हो जाए, लेकिन इस बार जो है नहीं हो पा रहा है। तो हम लोगों ने सोचा कि ठीक है, दीपावली के बाद थोड़ी मतलब जनवरी फरवरी में कराया जाएगा, तो मजदूरों को भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, आराम से धूप में बैठ के वो लोग, ठंडी ठंडी की धूप तो अच्छी ही होती है, कर लेंगे। तो यही कार्यक्रम सब पोस्टपोन हुए जा रहे हैं हम लोगों के, और बाकी की जो गतिविधियां हैं, कल है करवा चौथ, यानी कि आप लोग जब ये व्लॉग देख रहे हैं तो करवा चौथ वाला दिन है। तो सबसे पहले मैं उसकी हार्दिक शुभकामनाएं आप सबको दे दूं। जितनी भी महिलाएं हैं जो करवा चौथ का व्रत कर रही हैं, वो अच्छी तरह से इस व्रत को करें, खूब इंजॉय करें, खूब खुश रहें, और जो है माता जी उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें। और ये व्रत भी सभी लोग अपने अपने परिवार, अपने पति, अपने सास ससुर सबके साथ मनाते हैं, जिसके घर में जैसी व्यवस्था होती है। बहुत सारे लोग करवा उसकी थाली खूब सुंदर सुंदर सजाते हैं दोस्तों, और इसकी कथा भी होती है, मैंने सारी चीजें सुनी है, और मेरे आसपास भी बहुत सारे लोग करते हैं, तो मैं छत से उन लोगों को भी देखती हूँ, शामिल होती हूँ, जितना हो सकती हूँ उतना मैं कर लेती हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है देख के। और इसीलिए शुभकामनाएं देना चाहिए, मंगल कामना करना चाहिए। और कई लोगों ने तो मेहंदी लगा ली होगी, मैं भी आज कोशिश करूंगी कि थोड़ी सी मेहंदी लगा लूं, इसी निमित्त हो जाए, क्योंकि मैं तीज पे भी ठीक से नहीं लगा पाई थी अपनी हेल्थ को लेके। और अभी भी यही है कि यार आगे काम वाम करना पड़ता है, तो मैं थोड़ा सा इन सब चीज़ों को अवॉइड करती हूँ, लेकिन नेल पॉलिश, चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, लिपस्टिक, पिछिया, पायल, ये सब मेरे भी फेवरेट हैं। और बिना पैरों में रंग लगाए, बिना पैरों में आलता लगाए तो कोई पूजा हम लोग करते ही नहीं है दोस्तों, तो मैं भी ये सारे काम ज़रूर से करती हूँ। तो पूजा तो मुझे भी करनी है अपने चौथ की, तो मैं आलता वगैरह तो लगाऊंगी ही लगाऊंगी, लेकिन मेहंदी मैं आज ही लगा ले रही हूँ, क्योंकि कल मुझे इतना समय मिलने वाला नहीं है, और वैसे भी व्रत रहेगा ना तो थोड़ा सा होता है, नमक खाने वालों को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है बिना नमक के। और मैं करती हूँ थोड़ा सा दिन में कुछ दूध के साथ मखाने या कुछ इस तरह के हल्की फुल्की फलार ले लेती हूँ, और उसके बाद ना रात में तो हम लोगों को चंद्रोदय के बाद खाना खाने को मिल जाता है, इसलिए ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन ठीक है जैसा मुझसे सदता है मैं वैसा कर लेती हूँ। तो मुझे रहेगा इंतज़ार आप लोगों के प्यारे प्यारे व्लॉग्स का, जिन लोगों के चैनल्स हैं, मैंने सबसे कहा है कि प्लीज़ करवा चौथ का व्लॉग ज़रूर से डालिएगा, मैं हर कल्चर देखना चाहती हूँ कि सब लोग कैसे क्या करते हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारा।
और मैं इधर बीच ना दोस्तों अक्सर चाहती हूँ कि मैं कोई ना कोई रेसिपी शेयर करूँ, मैं बनाती भी हूँ, लेकिन ना व्लॉग इतना लंबा हो जाता है मेरी बातों में कि मैं कोई रेसिपी शेयर नहीं कर पाती। इवन मैंने इस बार सोचा था कि मैं जो नॉर्मल नॉर्मल सी सब्जियां भी बनाती हूँ ना, वो भी थोड़ा सा आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, क्योंकि हम लोग मोस्टली केवल आलू परवल खाते हैं, लौकी खाते हैं, और निनुआ गिलकी तोरई जो बोलते हैं वो खाते हैं हम लोग, करेला खाते हैं, शिमला मिर्च खाते हैं, इधर भी चुतकर्ष को भिंडी बहुत पसंद आ रही है, तो भिंडी भी थोड़ी थोड़ी कभी कभी बना लेते हैं हम लोग वीकली, और बैगन का चोखा, भरता, ये सारी चीज़ें हम लोग बनाते हैं, कभी पंजाबी स्टाइल में, कभी बिहारी स्टाइल में। तो मैं यही सोच रही थी कि यार ये सब चटर-पटर तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकती हूँ, पचमेल दाल हुई, और मैं हमेशा ना रिकॉर्ड करती हूँ और फिर व्लॉग लंबा हो जाता है तो मैं उसे जो है नहीं डालती हूँ, और वो रेसिपी चूंकि इतनी छोटी होती है मेरी, बहुत कुछ कम कम चीज़ें मैं क्लिप लेती हूँ, तो वो अलग से भी मैं नहीं डाल पाती हूँ, क्योंकि क्या डालूँ अलग से रेसिपी के लिए, कम से कम 2 से 3 मिनट का वीडियो तो होना चाहिए। तो मैं अब ध्यान से कोशिश करूंगी कि अपनी बातों को ना थोड़ा समेट दूं, बहुत बातें करती हूँ तो थोड़ा सा रेसिपी को भी जगह मिल जाए, प्लांट्स को जगह मिल जाती है, वेदर को मिल जाती है, लेकिन मेरी रेसिपी रह जाती है पीछे। सो अब से बातें होंगी कम और काम होगा ज्यादा। तो चलिए मैं रेसिपी डाल देती हूँ जो मैंने शूट की है, मैंने जो सब्जी बनाई है उसी की रेसिपी आप लोगों के साथ डाल के फिर मैं मिलती हूँ, क्योंकि मैं जा रही हूँ कपड़े धोने, थोड़ी देर में आप लोगों से मिलती हूँ। दोस्तों मैं बनाने जा रही हूँ स्टफ्ड शिमला मिर्च, और इसमें मैं बॉयल आलू इन सब का यूज़ करूँगी, और ये मैंने पंचफोरन का मसाला बनाया है, उसे भूनकर पीस लिया है, थोड़ा सा बेसन भुना हुआ ले लिया है, प्याज की प्यूरी ले ली है, अमचूर पाउडर, नमक, सभी चीज़ें ले ली हैं जो जो आपको भरनी है स्टफिंग में, और मैं इसे मस्टर्ड ऑयल में बना रही हूँ, थोड़ा ही तेल डाला है 1 चम्मच के करीब, और उसमें मैंने हींग पंचफोरन फिर से डाल दिया है, और तड़के में आप अपनी पसंद की चीज़ें ऐड करिए, हम लोग जो खाते हैं मैं बस वही डाल देती हूँ। और सबसे पहले तो मैं प्याज को अच्छी तरह से भून लूँगी, और उसके बाद मैं इसमें सारे मसाले ऐड करूँगी, हल्दी, धनिया पाउडर, गरम मसाला, अमचूर पाउडर, सारे जितने भी मसाले मुझे ऐड करने हैं वो मैं ऐड करूँगी। आप साबुत मसालों का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ सभी चीज़ें पिसी हुई यूज़ कर रही हूँ, पाउडर यूज़ कर रही हूँ। अब जो है इसमें मैं थोड़े थोड़े करके आलू डालना शुरू कर दे रही हूँ, क्योंकि हमारी प्याज भुनकर तैयार हो गई है, और जब आलू अच्छी तरह से मेरे हो जाएंगे तब मैं इसमें जो है नमक ऐड करूँगी, और उसके बाद मैं इसमें भुना हुआ बेसन ऐड करूँगी, थोड़ी सी मैंने काली मिर्च पाउडर भी ऐड कर दिया है अच्छा सा टेस्ट आने के लिए, लाल मिर्च पाउडर उतना यूज़ नहीं कर रही हूँ मैं, क्योंकि उत्कर्ष को खाना होता है। और उसके बाद मैं इसमें भरवा जो मेरा मसाला है वो ऐड कर रही हूँ। अच्छी तरह से स्टफिंग तैयार हो गई है, शिमला मिर्च को काटकर मैंने बीज का सब निकाल दिया है, बीज वगैरह, और इसमें मैंने सभी आलूओं की स्टफिंग भर दी है। ऑयल में थोड़ा ही ले रही हूँ दोस्तों, शैलो फ्राई जो होता है ना वैसा करूँगी, ढक ढक कर इसे अलट पलट कर मैं पका लूँगी, और इसे चम्मच की सहायता से मैं थोड़ा थोड़ा घुमाकर देख ले रही हूँ। हालांकि तेल बहुत सारा रखने से अच्छी तरह से पक जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा ऑयल हो जाता है, इस वजह से कई लोग छोड़ देते हैं मेरे घर में। और ये देखिए कुछ इस तरह का बनकर आया है, पता नहीं मेरे कैमरे में क्या प्रॉब्लम हो गई है, लेकिन बहुत ही खाने में टेस्टी है। ढक कर पकाया है इसलिए स्टीम में भी पक गया है। जो भी कपड़े मेरे भीग गए थे वो मैंने ऐसे धूप में डाल दिए हैं, बहुत मतलब ज़्यादा तो नहीं भीगे थे, लेकिन फिर भी एकदम मॉइस्चर इनका निकल जाए, फिर इनकी तह बना के मैं रख लूँगी। और उत्कर्ष की यूनिफॉर्म तो एवरीडे होती है, क्योंकि इनको रोज़ ही चाहिए, बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है, तो मैं तो धो देती हूँ, दो दो सेट है सारा सब कुछ, तो सूख भी जाता है, और अभी ही इनको हटा लूँगी ताकि ये बारिश में भीग ना पाए, बारिश का तो कोई भरोसा है नहीं। तो हो गया है मेरा ऑलमोस्ट सारा काम, अब मैं जो है अपने व्लॉग की एंडिंग कर लूँ यहाँ पर, और आप लोगों से ले लेती हूँ विदा। आप लोगों में से जो लोग नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा, और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ उसे शेयर कीजिएगा। दोस्तों अपना इसी तरह प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिएगा मुझ पर।
मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय, बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। मुझे ना मेहंदी लगाना बिल्कुल नहीं आता है, क्योंकि मैं कुछ डिज़ाइन बनाती हूँ तो कभी कोन में से मोटी मोटी लेयर निकलती है, कभी पतली पतली लेयर निकलती है, तो ओवरऑल बहुत ज़्यादा ज़िगज़ैग हो जाता है। तो मैं बस ऐसे सिंपल सिंपल सा सोचा था, एक ठो दो ठो टिक्की रख लूँगी लेकिन टिक्की की जगह मैंने इतना सब कुछ कर डाला और अजीब सा फ़नी फ़नी उत्कर्ष बोल रहा है आपने मच्छरदानी क्यों बनाई हुई है पूरे हाथ में, तो बड़ी झेप लगी कि लो बच्चा कह रहा है कि आपको इतना भी नहीं आता। लेकिन ये सब चीज़ें ना प्रैक्टिस से भी आती हैं, और दूसरा आपका हाथ सधा होना चाहिए। मेरे तो हाथ कांपने लगते हैं, कोन पकड़े पकड़े दर्द करने लगता है। सो आगे पीछे बस मैं नेक कर ले रही हूँ थोड़ा सा, और मैंने इतनी पतली पतली लाइन निकाली है ना कि मुझे तो डाउट हो रहा कि ये रचेगी भी। तीज की बची हुई मेहंदी थी वही मैंने यहाँ पर लगा ली है आगे पीछे थोड़ा सा, अब देखती हूँ रचती है कि नहीं।